हेलो दोस्तों, सार्वजनिक बुक्स पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पांच मोटिवेशनल बुक्स के बारे में बात करेंगे। उन सभी बुक्स के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा एक समरी दूंगा, नाम उनके राइटर्स के नाम, उनकी पब्लिकेशन और उनकी करेंट प्राइसेस क्या हैं, वो भी आपको आज बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहली बुक है डॉक्टर जोसेफ मर्फी की लिखी हुई द पावर ऑफ ए सबकॉन्शियस माइंड। इसमें हमारे अवचेतन मन की क्या शक्तियाँ हैं उन सभी के बारे में बताया है, हम अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं वो सारी चीज़ें बताई हैं। ये किताब डॉक्टर जोसेफ मर्फी की लिखी हुई राइट फ्री हो चुकी है, जिसे लगभग 60 वर्ष पूरे हो चुके हैं पब्लिकेशन को। दोस्तों, ये किताब राइट फ्री होने के कारण अलग अलग पब्लिकेशन से पब्लिश होती है और हर पब्लिकेशन के प्राइसेस अलग होते हैं। ये किताब 100 रुपये से लेकर 225 रुपये तक के प्राइसेस में अवेलेबल है पेपरबैक में। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल की लिखी हुई, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन है सोचिए और अमीर बनिए, जिसमें राइटर ने बताया है कि अगर आपको अमीर बनना है तो कैसे आपको अपनी सोच परिवर्तित करनी होगी। जब आप अपनी सोचने का तरीका बदलेंगे तो आप अमीर बन सकते हैं। इस बुक के प्राइसेस हैं लगभग 100 रुपये से लेकर 200 रुपये तक के प्राइसेस में अवेलेबल है। फ्रेंड्स, हमारी लिस्ट की तीसरी किताब है एल्केमिस्ट, राइटर हैं पॉलो कोइलो। ये बुक 1988 में इंग्लिश में पब्लिश हुई थी और 2003 में पहली बार हिंदी में पब्लिश हुई थी, और पब्लिश होने के बाद आज भी ये बेस्ट सेलर है। एल्केमिस्ट में सेंटियागो नाम के लड़के की जीवन संघर्ष यात्रा की कहानी है, जो एक भेड़ चराने का काम करता था। वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, प्रकृति उसे कैसे उसके लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करती, यह सभी उसकी किताब में बताया गया है, जिसकी कीमत मात्र 195 रुपये है, जो विजडम ट्री पब्लिकेशन से आती है। यह किताब आपको अवश्य ही पढ़ना चाहिए। इस किताब को पढ़ने के बाद आपके जीवन के लक्ष्य बहुत क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, हमारी लिस्ट की अगली किताब है फेमस इंडियन राइटर की लिखी रॉबिन शर्मा की लिखी हुई किताब हु विल क्राई व्हेन यू डाई, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन है कौन रोएगा आपकी मृत्यु पर। यह किताब 1999 में पब्लिश हुई थी और 2003 में हिंदी में ट्रांसलेट हुई। यह किताब आते ही सुपर बेस्ट सेलर रही। इस किताब में राइटर ने लाइफ लेसन्स दिए हैं। रॉबिन शर्मा को आप अन्य किताब के नाम से जानते होंगे, जो है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, इस राइटर को आप इस किताब से जानते होंगे। इस किताब में राइटर ने लाइफ लेसन्स दिए हैं 100 से ज़्यादा, जिन्हें डेली लगभग एक पढ़ के भी आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं, मूलभूत जीवन को सुधार सकते हैं। इस किताब में राइटर एक इंसिडेंट की बात करते हैं कि जब आप पैदा हुए थे, इस पृथ्वी पर आए थे, तो आप रोए थे और सारी दुनिया हंसी थी, लेकिन अब आपको ऐसा काम करना है कि जब आप जाएं तो आप हंसें और सारी दुनिया रोए। यह किताब 199 रुपये के प्राइस पर उपलब्ध है, जायको पब्लिकेशन से आती है। यह किताब आपको अवश्य ही पढ़ना चाहिए। फ्रेंड्स, हमारी लिस्ट की आखिरी और पांचवी किताब है लोक व्यवहार, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, डेल कार्नेगी की लिखी हुई किताब है। यह किताब सन 2003 में हिंदी में ट्रांसलेट हुई और सबसे पहले मंजुल पब्लिकेशन से आई। यह किताब 125 रुपये से लेकर 150 रुपये तक के प्राइस रेंज में अवेलेबल है, कुछ और प्रकाशनों से भी उपलब्ध है। यह किताब आपको अवश्य ही पढ़ना चाहिए। इस किताब में डेल कार्नेगी ने हमें अपने व्यक्तित्व को पैसे कैसे प्रभावशाली बना सकते हैं इस बारे में सबक दिए हैं कुछ कहानियों के माध्यम से। यह किताब सालों साल सुधरती गई है और इसमें बहुत सारे नए अध्याय जुड़े हैं, और फाइनली यह किताब अपने एक रूप में आई और इस किताब ने लाखों लोगों का जीवन बदला है। यह किताब आपको अवश्य ही पढ़ना चाहिए। बहुत ही सस्ती और बहुत ही सरल शब्दों में लिखी गई किताब है, 125 रुपये की किताब है। दोस्तों, आखिरी में इस वीडियो को रिवाइंड करता हूँ और इस लिस्ट की सभी किताबों का एक बार नाम आपको पुनः बताएंगे। सबसे पहली किताब थी डॉक्टर जोसेफ मर्फी की लिखी हुई किताब पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति। दूसरी किताब थी थिंक एंड ग्रो रिच, जिसका हिंदी है सोचिए और अमीर बनिए। तीसरी किताब थी एल्केमिस्ट, हिंदी में भी यह किताब एल्केमिस्ट के नाम से ही आती है, पॉलो कोइलो की लिखी हुई किताब है। चौथी किताब थी हु विल क्राई व्हेन यू डाई, इसका हिंदी है कौन रोएगा आपकी मृत्यु पर, रॉबिन शर्मा की लिखी हुई किताब। और आखिरी किताब थी हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जिसका हिंदी है लोक व्यवहार, प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला। अगर इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुई हो, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।